बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की हिस्सेदारी पर घमासान जारी है। जदयू और राजद के बाद अब कांग्रेस भी कुशवाहा की हिस्सेदारी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुशवाहा बीजेपी के दबाव में आकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा हिस्सेदारी की मांग किए जाने के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस बात की हिस्सेदारी। बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना है, जनता उनसे हिसाब मांग सकती है। कुशवाहा को किस बात की हिस्सेदारी दी जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई के सवाल पर अजीत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसे लेकर देखना है। कम करना चाहिए और ये तो सूरज को ऐना दिखाने की बात है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, आश्चर्य है। माननीय मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी में थे तो विकास का काम नहीं कर पा रहे थे, और अभी आप देख रहे हैं समाधान यात्रा जो निकाले हैं, जो काम का वो समीक्षा कर रहे हैं। मैं तो उनको आभार प्रकट करता हूं कि आपको जनता ने 18 वर्ष से चुना और आप काम कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए कौन क्या बोलता है, आप काम करते चलिए। और उपेंद्र कुशवाहा जी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कहीं ना कहीं दबाव में आए, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को, जनता को, बिहार को कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति क्या बोलता है मतलब नहीं है। उनको रोजगार चाहिए, उनको महंगाई कम करना चाहिए, और माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। हिस्सेदारी की लगातार मांग कर रहे हैं, किस बात की हिस्सेदारी होती है? मैंने आप राजनीति में हैं, किस बात की हिस्सेदारी? आदरणीय नीतीश कुमार जी को क्या उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री चुना है कि बिहार की जनता ने चुना है? बिहार की जनता ने चुना है। हिस्सेदारी जनता मांगती है विकास का, तो आप बताइए किसका हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके बिहार की जनता गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी, जनता आपको माफ नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो आप काम कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री बने हैं और वो विकास करते रहेंगे, और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और पूरी जनता यह देख रही है। पार्टी से इनको निकाला जाना चाहिए कि नहीं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? सर वो तो अगर वो बहुत खिलाफ करेंगे पार्टी का तो पार्टी का मामला है, वो तो आदरणीय नीतीश कुमार तय करेंगे, आदरणीय ललन सिंह जी तय करेंगे। लेकिन वो जो हिस्सेदारी की बात करते हैं, मुझे तो हंसी आती है, किस बात की हिस्सेदारी? अरे मिलजुल के बिहार का विकास कीजिए। भारतीय जनता पार्टी से हटे हैं, जो काम नहीं कर पाए आदरणीय नीतीश कुमार जी, महागठबंधन में आए हैं, मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, आश्चर्य है। माननीय मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी में थे तो विकास का काम नहीं कर पा रहे थे, और अभी आप देख रहे हैं समाधान यात्रा जो निकाले हैं, जो काम का वो समीक्षा कर रहे हैं। मैं तो उनको आभार प्रकट करता हूं कि आपको जनता ने 18 वर्ष से चुना और आप काम कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए कौन क्या बोलता है, आप काम करते चलिए। और उपेंद्र कुशवाहा जी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कहीं ना कहीं दबाव में आए, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को, जनता को, बिहार को कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति क्या बोलता है मतलब नहीं है। उनको रोजगार चाहिए, उनको महंगाई कम करना चाहिए, और माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। हिस्सेदारी की लगातार मांग कर रहे हैं, किस बात की हिस्सेदारी होती है?